अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फैसल और ये है मेरा यूट्यूब चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं? आज फिर मैं हाज़िर हूं एक नए मौजू के साथ। पिछली वीडियो आपने देखी, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों ने उसको सराहा, लेकिन वो मेरा एक था बचपन का जो सीन पार्ट था, तो लिहाजा आज जो डिस्कस करनी, मुझे आइडिया नहीं क्या मुझसे पूछा जाएगा। तो डॉक्टर इकरा मेरे साथ हैं, तो डॉक्टर इकरा बताएं क्या पूछेंगे मेरे से। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। सबसे पहले तो मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से आप सब लोगों को ईद मुबारक। मेरी मुझे तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम, अस्सलामुअलैकुम। ठीक है सबको जी। बहुत बहुत ईद मुबारक। तो जी आज जो है वो हम कोई ज़्यादा एक्सट्रीम टॉपिक नहीं लेके आएंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो पे आई डोंट नो मेरे अब्बा इतने इमोशनल हो जाएंगे। सो जिंदगी में उतार चढ़ाव तो होते रहते हैं, लेकिन ईद का मौका है और ये वीडियो जो है वो मैं ईद वाले दिन बैठ के रिकॉर्ड कर रही हूँ आप सब लोगों के लिए। व्लॉग्स के साथ ये चीज़ें मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, मगर क्या करें, आप लोगों के साथ ही हमारी फैमिली बनती है। तो आज जो है वो मैं मॉम वर्सेस डैड एक बार फिर से लेकर आई हूँ। मैं इनसे इनकी मेमोरीज पूछूंगी, ये लोग अपने बचपन में किस तरह से ईद मनाते थे और आज का बच्चा किस तरह से ईद मना रहा है, और ईद के जो पीछे ओरिजिन है, यानी कि ईद को मनाने के पीछे जो चीजें हैं वो क्या है, ईद पे क्या चीजें भूल जानी चाहिए, ईद को हमें किस तरीके से लेके चलना चाहिए, तो उस बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं मम्मा का अगेन वेलकम करूंगी अपने डैड के चैनल पे। वैसे तो ये इन्हीं का चैनल थैंक है क्योंकि जो उनका है वो इनका है, जो इनका है वो इन्हीं का ही है और इनके बच्चों का यू, है। क्योंकि सब कुछ मेरा ही है। मैं ओ सिस्ट्रोलॉजी की भाई, मॉम। सिस्ट्रोलॉजी की मोम है। तो ईद के हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले हम पापा से पूछते हैं कि आप बचपन में किस तरह से ईद मनाते थे, क्योंकि बचपन में ईद का जो मेरा ख्याल से इंजॉयमेंट होता है वो इस एज में आके खत्म हो जाता है, कम हो जाता है। मुझे तो आपको पता किसने कहा खत्म हो जाता? मेरा हुआ है ना, इसलिए पूछ रही वो हूँ। आपको हुआ, मेरा तो नहीं खत्म हुआ। नहीं, लाइक जैसे हमें ईदी मिलती थी, कोई 10 रुपये भी मिल जाते या 50 रुपये भी नहीं, मिल मेरे पास ईदी लेना और देना दो काम है। हाँ बचपन में लेते थे, हाँ बड़े होकर देते हैं, मज़ा सेम ही है, बल्कि अब ज़्यादा मज़ा आ रहा देने का। ये आप नहीं, कैसे कह सकते हैं कि ईदी का मज़ा नहीं आ ईदी रहा? लेने का मजा आता। बचपन की ईद, बचपन नहीं मेरे हिसाब से बचपन में ना ईद मेरी कैसी होती थी? बस नहाना धोना तैयार होना, सुरमा डालना और तेल लगा कर बाहर निकल सिरुचि जाना। बब्बू सुरमा लगाना ना, मेरी पप्पो होती थी, वो सुरमा लगाती थी मुझे। वो तेल तो लगा कर तैयार करके रेडी करके जाओ, ईद माल पड़ गया हो सुबह तो जानवर उठाना, और अपने दोस्तों के साथ और सारी फैमिली के साथ वहाँ पर जाते थे। अपनी ये ग्राउंड थी बहुत बड़ी हमारी, वहाँ पर जाके ईद नमाज पढ़नी और पढ़ के फिर रास्ते में गोलगप्पे, हाँ, तो वही फालसा, देखे ना गोले और इस तरह की चीज़ें, मतलब कितना बचपन था फर्क ना। है। नहीं, कितना फर्क है, अब वाली ईद में तो ऐसा नहीं होता। मम्मा कुछ बता कहना चाह रही थी। मुझे तो रियल में बता रही हूँ कि वो जो बचपन वाली ईद थी ना, पैसे मिलने, आलू चने खाने आलू चने बनाती तो नहीं है बच्चों के लिए? और बड़ा मज़ा आता था तब, उतना मज़ा अब नहीं है। नहीं है, ये हकीकत है। कमेंट बॉक्स में तुसी भी दस दोगे हमने मजा है कि पहले मजा सी। मुझे तो पता है, मुझे तो याद लेकिन है। वैसे जो ईद है ना, इसका जो 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 त्यौहार होता है ईद जो होती है ना, इसमें सेलिब्रेशन होती है। सेलिब्रेशन में मैं एक बात सबको करता हूँ कि सेलिब्रेशन जो होती है ना, ये मिल के करनी चाहिए, ये होनी चाहिए, जाना चाहिए किसी की तरफ या कोई आपकी तरफ आए, ऐसा मिल बैठ के, और अपनी रंजिशें से ख़त्म होती हैं और आपका जो पूरा वो एक होता है ना वो बनता है। और घर में अकेले बैठ के भी ईद हो जाती है, और घर में अकेले ना भी बैठे अकेले तो बैठ भी के ईद। मजा नहीं आता, मजा नहीं आता, ये बात बात है। ये होता है कि जब आप गैदरिंग गेट टुगेदर करते हैं ना, तो उससे नफ़रतें ख़त्म होती हैं। यहाँ हमारे माशरे में क्या होता है कि बस नफ़रतें बढ़ाई जा रही होती हैं और कम नहीं की जाती। बहाने से हम लोग तो खुद, मैं अपने बहन भाई, मैं शुरू से जाती हूँ कि अपने बहन भाइयों को मैं इन्वाइट करता हूँ लाजम, कि चाहे ईद के वाले दिन आ जाएँ या ईद के दूसरे दिन आ जाएँ, तो या अपने को दोस्त हैं उनको मैं इन्वाइट करता हूँ, या कभी वो हमें इन्वाइट करते हैं, तो इससे ना रंजिशें ख़त्म होती हैं, कुदरतें दूर होती हैं, और मामला जो है ना सेटल रहता है। बरकत होती है, सीधी सी बात जो असल बात है बरकत वो होती बरकत है। होती है। तो दुनिया में एक टाइम, मतलब एक चल रहा होता है, हम सब अपने टाइम को पूरा करके जा रहे होते हैं। बात यह कि रंजिशें यहीं रह जाती हैं, सारा कुछ यहीं पर रह जाता है, बातें याद रह जाती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, बुरी जो बुराई हैं या अच्छाई वाली। ईद एक सेलिब्रेशन है बहुत बड़ा, ये वर्ल्ड वाइड है ना, तो हमारे दीन से ये चीज़ें हैं कि सेलिब्रेशन आप करें। और अब हम अगर सेलिब्रेशन में ही जाके नफ़रतें रखें कि किसी दूसरे को देखें, हमारे दीन में कहा गया कि एक दूसरे को अपने घर में दावत दो, दावत दो। बुलवाओ, खाना खिलाओ उनको, लेकिन यहाँ पे क्या हो कहता, नहीं ऐसा नहीं करना, बुलाना नहीं है, पैसे कट जाएंगे, खाना कम हो जाएगा, ये या पता चीज नहीं है। कोई आएगा हमारे घर तो पता नहीं इतना खर्चा हो जाएगा हमारा, हमें बहुत ज़्यादा खपना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, खाना तैयार करना पड़ेगा, इस तरह की जो चीजें होती चीज़ें हैं। हाँ इतने लेकर ना, तो वो अपना उसको डिस्क्लोज कर देते हैं और मतलब डिसमिस कर देते हैं, मैं नहीं करते, वो नहीं लोगों को बुलाते, तो ये मैं नहीं समझता, ये अच्छा नहीं है। ये अच्छा नहीं है। अच्छा, हम तो बात कर रहे थे अपने उस बचपन के एक साइड पे जा रहे थे कि ईद हम लोग कैसे, मम्मा खाती थी आलू चने। तो मम्मा आपको बचपन में ईदी कितनी मिलती थी? मुझे
जब बहुत छोटे थे तब 10 रुपए। मम्मा 10 रुपए आपके दौर में तो बहुत ज्यादा होते थे मैंने सुना है। पापा भी नहीं हंस रहे हैं। उस दौर में मेरा ख्याल से 10 रुपए बहुत, तो उस दौर में 10 रुपए आज के 10,000 मुझे थे। तो उस दौर में आपको मुझे 10,000 मिलता था। जब मैं छोटा था ना तो हाँ मुझे 100 रुपया मिलता था ईद वाले, पूरी देखिए कॉपी मिलती उनको थी। ज्यादा मिलते, मुझे कम मिलते क्यों? दस आपकी रुपए अब्बू मिलते आपकी अम्मी आपको कम क्यों देते आपको? क्योंकि आप मतलब सेम ही उस लड़कों को ज्यादा दी जाती थी ना, उन्होंने बाहर दोस्तों में घूमना फिरना, लड़कियों ने तो थोड़ा सा बस खर्च किया और घर बैठ गई। लड़कियों के पास जितने मर्जी ज्यादा पैसे उन्होंने आखिर में जमा कर लेने, अगली ईद पे सूट लूंगी क्योंकि ईद से पहले एक गल्ला बनाया होता था हमने भी मिलके ना भाई के साथ। वो गल्ला एक होता था, गल्ले में पैसे डालते थे, ईद आ रही थी दे पैसे मेरे को ज्यादा होंगे। वो कट्ठे कर जब गल्ला जो होता था ना, गल्ला तोड़ने का टाइम आता था तो छोटा भाई रात को पहले तोड़ के सारे पहले निकाल के गायब हो जाता था। ऐसे होता था। हाँ अच्छा ये सारे ही छोटे भाई बहन भाई ऐसे होते, मेरे भी ऐसे बिल्कुल सेम टू सेम। सुन रहे हो छोटो? तुम्हारा तो गल्ला तोड़ा है मैंने, अस्तगफिरुल्लाह हीरा की। मुझे एक बात याद है, मैंने गल्ले में पापा का से गल्ला जरूर थोड़ा, तुम्हारा नहीं तोड़ा। मेरा गल्ला, याद है मेरा गल्ला। अच्छा पीछे से बैठी बोल रही मैंने है, फातिमा का तोड़ा हुआ नहीं, 20-20 रुपए करके मैंने उसे खाली कर उसके दिया, तो उसे तुम्हारा नहीं लग उसे किया। लगा है कि उसकी बात हुई है छोटे तो अच्छा भाई मेरे छोड़े सारी गए। छोटी बहनें बहुत चलाक है गाइस, बहुत चलाक है। ये ईद वाले दिन क्या आपको भी पता है सबसे चलाक कौन है? फातिमा। नहीं आज तो वैसे बात तो ईद की हो रही है, लड़ाई पाती है बीच में। आपने कहा छोटा भाई मेरा, इसे ये नहीं पता था छोटी बैठी हुई है, भूल गई थी, भूल गई। तो मम्मा आपका क्या होता था, आप किस तरह से? आप भी अच्छा मजे की बात अच्छा। ये है मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूँ, पापा अपने घर पे सबसे बड़े थे और अभी भी हैं, यानी कि सबसे बड़े बहन भाई। अम्मा अपने फैमिली में यानी कि पहले बच्चे हमारे ही थे, नन्हे आदमी हम तीनों बड़े बड़े बैठे बड़े बड़े बैठे हुए हैं, तो बड़े 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 अपना बड़ा बड़ा दुख खोलेंगे, इसलिए बड़ों का एक्सपीरियंस और होता है और बच्चों का और है। होता है इतना बड़ा ने मिल के आगे लाया। वैसे दुख नहीं है कोई भी? नहीं दुख नहीं है मुझे। हाँ। मुझे लगता है कि बड़े होने के बड़े फायदे होते हैं, बड़ों को थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ती है। बड़े होने के ना, बड़े होने के थोड़ा वाह वाह फायदे ने नहीं सारा कुछ भी उसकी बारी जल्दी होती है, कुर्बानी भी देनी पड़ती है। जो बकरा बड़ा होता है ना उसकी बारी जल्दी आ जाती है। मेरे हिसाब से ना बड़ों पे ज्यादा जिम्मेदारी जिम्मेदारियां ज्यादा होती है, तो लेकिन वो जिम्मेदारियां जो होती है ना आपको कुछ सिखाती हैं। जितनी जिम्मेदारियां आप बड़ी आप उठाएंगे उतना बड़ा बनेंगे, ये आपने करना है कि बड़ा बनने के लिए बड़ी जिम्मेदारी उठाएं और बड़े हो जाएं और बड़े बने। ठीक है जी, पैदा होने से कुछ नहीं होता, अगर आप बड़े पैदा हुए डजंट मीन कि आप बड़े हो गए हैं। अच्छा मुझे ना उसी ईद की समझ नहीं आती जो चांद नजर नहीं आता। यार ये एक अलग ही ड्रामा है यार, अचानक ईद हो अचानक गई, ईद हो जाती अचानक है, ईद हो जाती रात है। को सोए होते हैं, रोजा है, सुबह ईद है, सुबह ईद है और हाँ। तैयारी नहीं होती उसी। अच्छा मुझे अच्छी तरह याद है हम जब बहुत छोटे थे मेहंदियां लगवा के आ गए, पता लगे मेहंदियां लगवा ली हम लोगों ने, अब जब वापिस आते थे घर आते थे और मुंह के ऊपर ऐसे रख के सो जाते थे और सुबह उठते थे पूरा डिजाइन मुंह पे छपा होता था। ये तो मेरे साथ अक्सर बड़े होते हुए ये कैसे है आपके साथ? ये तो अभी भी राबिया के साथ भी हुआ है, उसके मुंह पे पूरी लगी है। आपके साथ नहीं हुआ कभी? मेरे साथ रात को हुआ है। गाइस मैं अपना एक वाकया बताती हूँ, बचपन में मैं हीरा से एक दफा मेहंदी लगवाई, हीरा ने क्या किया तिनके में ना मेहंदी को घोलते होते थे तब, कौन बहुत मतलब छोटी थी बहुत, इसे घोल के तिनका लेके इसे पकड़ के ना इसने कहा आप ही, मैंने बाजुओं तक मेहंदी लगानी, मैंने कहा ठीक है लगा देगी, इसने यहाँ पे एक डॉट लगाया, डॉट 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 डॉट, यहाँ तक इतने डॉट लगा दी उन्होंने। मैंने अपने हाथ पे लगाई थी तुम्हारे पहले, अच्छे से याद हो। हाँ इसने अपने हाथ पे लगाई थी, मैंने पूरी बाजू तक डॉट 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 डॉट, और मेरे फुप्पो से बाद में ऐसे ठोक चंड, तब से हीरा का नाम तब से hira.com है। अच्छा लड़कों, अच्छा लड़कियों की तो चलो चूड़ियां मेहंदी, लड़के क्या करते हैं ईद पे? सिर्फ कपड़े और जूते, पिछले साल के कपड़े पहन के। ऐसी बात नहीं है, नहीं, नहीं। वो पापा ने ईद पे 3 सूट सिलवाए हुए हैं, वो पता नहीं चलता, लड़के ऐसे चलाक होते हैं कि पता नहीं चलता कि लड़के खर्चा कर रहे हैं, नहीं तो लड़के जितना टीपियां टूपियां लड़के लगा रहे होते हैं ना लड़कियां नहीं कर रही होती गाइस, बिल्कुल नहीं कर रही होती। लड़के की 5,000 में लड़के की 5 जूते आ जाते हैं, लड़के का 1 आता है। हाँ ये तो बात ही गलत है, ये तो फजूल बात है, साथ में तो मेरा है। कौन सी लड़की का 5वें जूता आ जाता है? ये इतना भी मासूम ना बने, नहीं मासूम काकियां। हम आज जो है ना
हम ये चीज कर रहे हैं कि लड़के की ईदी में और लड़की की ईदी में क्या फर्क होता है। तो लड़कों की जो तैयारी होती है वो इतनी को कोई मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या ही करते हैं लड़के ईद पे? कुछ भी नहीं, कपड़े पहनते हैं और क्या। चांद रात पे फेशियल करवाने जाते हैं। कोई वह हाँ, चांद रात पे फेशियल। मेरी बात, जब हमारा बचपन में कोई फेशियल फूशल नहीं होता था, ये फेशियल कराना ये कुछ सारा ना हमने करवाया कभी। बात ये होती है कि ये दौर जब जो हुआ ना चेंज, थोड़ा सा वो सोशलाइज ज़िंदगी हो गई है, मोबाइल हाथों में आ गए हैं, कैमरे हर टाइम हाथों में, उस वक्त कैमरे भी किराए से मिलते थे, ये इस दौर की है ना ज़्यादा लोग, क्योंकि हाथों में मोबाइल आ गए, कैमरे आपके हाथों में, अपनी शक्ल देखते रहते हैं, सेल्फियाँ ले ली और ये वो सारा, तो वो मतलब कि भी वो इस तरह वो करवाते हैं, इससे थोड़ा सा वो ज़्यादा चीज़ें वक्त के साथ चेंज होती हैं। अब मैं भी बचपन में पैंट भी शर्ट भी और अच्छे वाली मतलब तैयार होना, लेकिन ये को ये नहीं करवाना होता था कि हम हमें जाके बैठ गए 3 दिन घंटे उठते नहीं थे। उस वक्त हमारे कुछ दोस्त थे जो करवाते थे। इनडायरेक्टली हमें लेकिन लड़की नहीं, मजे की बात ये है कि पहले ये पॉलर लड़कों का नहीं, मैं हमने देखा था, ये अब पहले होते ही लड़कों नहीं, का पॉलर आ होते ही गया। नहीं थे। हाँ बिल्कुल नहीं होते थे। पहले लड़कों के पार्लर नहीं होते थे, लड़कियों के पार्लर थे जो हाँ लड़कियों का सुना था, अब तो हाल लड़कों के भी पॉलर आए हुए वो हैं। असल में लड़के जो है लड़कियों जैसे हो गए ना। यकीन जी करो नहीं। एक शादी पे मैंने दूल्हा देखा कि पूरा मेकअप करके ये बना के ऐसे, वो मैं हैरान देख के कि ये लड़के पूरा मेकअप करवा के आते हैं। तो जाहिर है लड़की जब अपने आप जब को मेरी पूरा शादी हुई थी, मेकअप करवा मैंने नहीं। महंगाई तैयार हुआ था, रात को सोने से पहले रात को सिर तेल की मालिश कराई ये थी, भाई सुबह यहाँ पे तेल थोड़ा थोड़ा लगा हुआ है, रात सोने लगे तेल तेल की मालिश लगा कराई के उसे। साबुन से ना शैम्पू करके आओ। दूल्हा बने हुए लेकिन आप, प्यारे लग रहे थे इसलिए मैंने कहा ठीक है। इसलिए मैंने एक्सेप्ट कर लिया। ये तो झूठ ही बोला है, देखा ही नहीं था। दूल्हे मतलब वापसी थी। कह रही प्यारे लग रहे थे एक्सेप्ट कर लिया। ओह माय गॉड। तो हम बात ईद की कर रहे थे, आप शादी, शादी के बारे में भी कभी आपकी बात करेंगे जरूर, लेकिन अभी हम ईद की बात करें। अच्छा ईद में लड़कों के, जैसे लड़कियां होती हैं उन्होंने चूड़ियां झुमके पर्स और ये सब चीजें, लड़कों के लिए मेन चीज क्या होती है? घड़ी, अच्छा अंगूठी, नाइन जूत, और जूत जूता। ओए मैं घड़ी से ही बताती हूँ कि लड़के की घड़ी 1.5 लाख की आती है, अच्छा, और लड़की लड़के की 50 हजार में सारी शॉपिंग हो जाती है। मम्मा तो नॉर्मल मम्मा 500 रुपए में भी घड़ी मिल जाएगी, नहीं लेकिन ना लड़का 500 रुपए वाली घड़ी का औला भी चाहिए। आजकल के लड़के नहीं ना पहनते, वो नहीं कहते नहीं मेरी हैं बात सुने, पापा आपकी घड़ी कितने की है? ये मैंने बताता किसी को, मम्मा जी आपका ये कड़ा कितने, आपका ये नेकलेस कितने का? कोई नहीं बताना। 10 ये होगा कुछ और में नहीं, 40 लाख। 40 लाख। अच्छा मैं बात सुनो, मेरी बात हमारी हो रही ईद की, कि हाँ ईद पे असल में जो सेलिब्रेशन हमारी ईद की है ना, वो हमें करनी चाहिए, कि जो सेलिब्रेशन है ये करनी चाहिए। इस ईद पे क्या करना, आप देखें फॉर एग्जाम्पल आज ईद है जी, अब लोग क्या करते हैं, घर में 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, वो जायनमाज पकड़ी, अगर 2-3 मर्द हैं 2-3 औरतें हैं, वो घर में उठी हैं, नाश्ता तैयार हुआ, मर्द चले गए अपना ईद नमाज पढ़ने के लिए, ईद नमाज पढ़ के वापस घर आ गए, घर आ गए जी नाश्ता किया, खाना खाया, बैठ गए टीवी लगा के बैठ गए, अब घर में वो सारे वही लोग हैं, तैयार हुए कपड़े नए डाल दिए, अब उसके बाद करना क्या है, मेन होता कि बाहर निकल गए अपने हमसायों की तरफ, खीर भेज दी, सेवैयाँ भेज दी मीठी मीठी, और साथ वाले हमसाए उनसे गले मिल के आ गए, वापस आ घर आके बैठ गए, घर बंद, गर्मी है या सर्दी है, ऐसे चल गए गर्मियों में, सर्दी है तो हीटर चला के टीवी लगा के बैठ गए, ठीक है तो गप्पे मार रहे हैं, वो घर वाले तो वही हैं, मज़ा ईद का कहाँ पे कैसे आता है, कि आप अपनी सेलिब्रेशन को थोड़ा सा यूटिलाइज करें, बढ़ाएं लंबा इसको, करें, बड़ा करें, बड़ा करें, बड़ा करें, कि घर में खाने में तैयार करें, और मुख्तलिफ अपने जो आपके अजीज़ो कारब हैं, दोस्त अहबाब हैं, उनको दावत दें कि भाई आपने ईद का खाना हमारे पास खाना है। उसे बोलते थे हम बचपन में, हम करते थे, मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करता था, छोटा था दोस्तों, हम उसका नाम रखा था ईद मिलन पार्टी, ईद मिलन पार्टी होती थी हमारी, कि वो हर ईद पर किसी एक दोस्त की तरफ होती थी, हम 4 दोस्त थे, ठीक है इस हम सारे, मैं पाकिस्तान में हूँ, बाकी 3ों ही बाहर हैं, अमेरिका में है, फ्रांस में है, स्पेन में है, तो वो मतलब कि हम सारे इकट्ठे होते थे, तो हर एक के घर में एक ईद की जो ईद मिलन पार्टी रखी जाती थी, और बड़ा अच्छा किया जाता था, तो वाला साहब जो होते ना वो बड़ा खुश होते थे, कहते यार ये तुम बड़ा अच्छा सेटअप कर लेते हो, अपना पूरा इंजॉय करते हो ईद को। हाँ। और ईद का जो दूसरा दिन होता था, तो हम कहते थे आप आज हमारा टरू है, टरू पे क्या होता था, ट्रिप निकलते थे हमारे, अच्छा हाँ, कभी मरी चले गए, कभी मतलब नारायण कगान चले गए, कभी उधर से होते हुए कभी छांगा मांगा जाओ, छांगा छांगा मांगा का जंगल होता था वहाँ पे कभी चले गए, और कभी जनाब अपना ऐसा ही कहीं और साइड में जहाँ पे कुछ होता था वहाँ निकल जाते थे। ये हमारे होते थे वो 3ों दोनों दिन, जिससे ईद में 3 छुट्टियाँ थी, 3 छुट्टियाँ सेलिब्रेट करते थे, 2 से 2 करते थे, लेकिन खाने पीने दावतें शावतें ये वो सब चलते थे, वो पूरा पूरा ग्रुप हमारा बन जाता था, हम जनाब वो मैंगो की पेटियाँ लेते थे, और लेकर वो सारा करके तो वो दरिया पे चले जाते थे, वहाँ पे साइडों में बैठ जाना, जाके वहाँ पे मैंगो एंजॉय करना, और साथ में कच्ची लस्सी पीनी, इस तरह के मतलब के मज़े होते थे ईदों में। मजे होते अब थे। यहाँ पे आया क्या हो गया कि फैमिली है, लेकिन अब यहाँ पे दोस्तों लोगों में प्यार मोहब्बत ही नहीं, नफरतें बढ़ हाँ। गई हैं, तो
तो वो चीजें बस वो ऐसा ही तो गैदरिंग को ना बड़ा वो समझते हैं कि यार पता नहीं हमारे ऊपर कितना बर्डन है। हमारे दौर में लड़के ज्यादा एंजॉय करते थे तो लड़कियां जो बेचारी वो घर में बैठी रहती थी वो कैसे करती हैं वो लड़कियां फसाद की जड़ कहूंगी। नहीं नहीं एंजॉय नहीं ऐसा नहीं लड़कियां देखे ना यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में लड़कियां क्या थी आप ईद में पार्टी रखती हैं बिल्कुल अभी भी रखती हैं आप भी जैसे करते हो पूरा सेलिब्रेट करते हो आपकी कितनी फ्रेंड आई होती हैं सारा एंजॉय कर रहे हो तो क्या नहीं करते आप क्यों नहीं करते पहले भी ये था और करना चाहिए ये होना चाहिए मैं इस पर बड़ा अप्रिशिएटिंग देता हूँ कभी मतलब एंजॉय करें बस लाइफ को जियो। हम क्या करते थे हमें ईद ही मिलती थी सुबह सुबह उठते थे जब तक ईद नमाज पापा पढ़ के आए तो वो कहते थे मुझे सब तैयार चाहिए अगर ईद नमाज से मतलब मैं पढ़ के आऊँ और कोई तैयार नहीं मिला उसको ईद ही नहीं मिली तो सब बच्चे हाँ ये तो मैं आता था तो हम लोग फटाफट तैयार होते थे और बस वेट करते थे कि अब भी आएंगे अब भी आएंगे जैसे ही आते थे ईद ही मिलती थी हम निकल जाते थे हमारी गली होती थी तो वहां पे एक टोली दो टोली तीन टोली सबको ना पिक करना कि चलो चलो वो एक पूरा 10 लड़कियों का ग्रुप बन जाता था मेरे हमारे तो घर की 4-5 लड़कियां थी तो हम सब लोग ग्रुप बना के डिफरेंट दुकानों पे जाते थे कि यहाँ से आज हमने गोला खाना है यहाँ से हमने शकरकंदी लेनी हमने दुकानदारों के साथ डील्स की होती थी कि आपसे अंकल हम शकरकंदी लेंगे और आपसे आलू चने ये नहीं कि सारे पैसे एक को ही वरना दुकानदार भी आपस में बड़े माइंड करते थे मैंने बड़ा देखा है लेकिन अब नहीं है ये सिस्टम अब सारा मोबाइल पे हर किसी के हाथ में मोबाइल ईद पढ़ के आए मोबाइल हाथ में ईद मुबारक नहीं बता रहा मोबाइल का क्या काम मोबाइल का जो काम है वो काम वही है पहले क्या होता था कि हम ईद से 2-3 दिन पहले या 5 दिन पहले या 10 दिन पहले ईद कार्ड लेते थे ईद कार्ड होते थे बड़ा ट्रेंड होता था वो फिर पोस्ट करने होते थे ना मुख्तलिफ जगहों पे या किसी घर जाके दे के आना साथ में वो ईदी भी साथ दे आनी ईद कार्ड के साथ ही तो मैं क्या करता था ईदी दे के आनी है लो जी ये मैंने दे दिया 200 रुपये ईदी दे दी साथ में लिख दी आपने मुझे मैंने अपने कज़न था मेरे तो मैं उनकी बात बताता हूँ ईद वाला ईद का दिन था बल्कि ईद से 2-3 दिन पहले मैंने उसको कार्ड लिखा ईद मुबारक मेरी तरफ से दिली ये वो वगैरह साथ में 2-3 शेर लिखे और उसमें मैंने पैसे डाले आई थिंक 60 रुपये 60 रुपये मैंने उसको ईदी दे दी नए नोट 10-10 के उन्होंने डाल कार्ड में पैसे कार्ड में डाल के उसको मैंने घर जाके दे के आया मैं जाके मैं आपकी ईदी जब मैं चला जाऊँ फिर खोलना अच्छा वो मैं आ गया वापस उसने खोला उसने देखा पैसे दिए उसने ना डबल करके मुझे ना घर आके मुझे वापस दे गया तो मैं ना मैंने क्या किया मैंने ना उसको दोबारा उसी 2 दिन बाद ही दोबारा नया कार्ड लिया उसमें मैंने 100 रुपये डाला मैं कहा अभी मैंने आपको 100 रुपये दे रहा हूँ मुझे ना डबल करके ना देना मुझे 150 दे देना वापस उसे मुझे वापस ही नहीं दी तब ये बड़ा 100 ही रख लिया देते थे पैसे डाल के आगे से डबल हो गए वापस आते हाँ ये एक मतलब कि अजीब सा ट्रेंड होता था खैर ये तो बचपन था ना उस वक्त बचपन में तो बहुत सारी चीजों में मजा था मजा अभी भी है मोबाइल में क्या होता है मोबाइल में आपने देखा ना मोबाइल भी किया मोबाइल में वो मजा नहीं मोबाइल में पैसे नहीं आते लोड जाता है नहीं वो मजा इजी लोड वो तो नहीं मैं बताती हूँ कि हम जब छोटे थे तो मजा हर दौर में हर जैसे टेक्नोलॉजी अब आगे बट वो टेक्नोलॉजी रही नहीं ना तो मजा आप कैसे उधर खत्म हो गया आपका मजा देखियो कि ज़ैनब ने उस तरह ईद एंजॉय नहीं की जिस तरह मैंने हिरा ने फातिमा ने हम तीनों ने कोई मतलब हमने कोई गली का कोना नहीं छोड़ना होता था और दूसरी चीज जो मुझे समझ में आती है कि ईद कार्ड होता था स्कूल हम जाते थे तो बच्चियां शॉपर बैग लेकर थे आज बेस्ट फ्रेंड उसके लिए ईद लिए कार्ड होती थी पिंस होती थी मेहंदी होती थी चूड़ियां होती थी तो मैं देखती होती थी बच्चे ईद दे रहे हैं तो मैं घर आके मम्मा को कि मैंने भी अपनी दोस्त को ईद देनी है तो मम्मा दोस्तों के लिए भी मैं ज़ैनब से चांद रात भी पूछी थी कि मानो आपने अपने किसी दोस्त को ईद नहीं दी तो कहती है आप ईद देने का नहीं है हाँ तब हम कार्ड स्पेशली पसंद करने वो होता था ना मुंह में चेन रखी होती थी कबूतर ने उस तरह के ईद कार्ड लवर्स के लिए अलग होते थे अम्मी के लिए कार्ड अलग होता था म्यूजिकल कार्ड थे बड़े प्यारे कार्ड्स होते थे और वो इतने खूबसूरत इतने बड़े 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 कार्ड्स होते थे जो जरा स्पेशल इसको दिल से खोला फिर ना डब्बे में डब्बा डब्बे में केक मेरी सहेली लाखों में ऐसे कहते हैं ये कहते थे फिर था डब्बे में डब्बा डब्बे में आटा मेरी फ्रेंड को चूहे ने काटा इस तरह का एक और था डब्बे में डब्बा डब्बे में डब्बा मैं तो डब्बा मैंने अपने दोस्त को एक कार्ड लिखा उसमें मैंने शेर लिख दिया जंगल में रहता हूँ पहाड़ों में सोता हूँ जब याद तुम्हारी आती है छुपके छुपके तो कहना तू किसी किस्म का जानवर है वो जंगल में क्यों रहना है चुपके चुपके रोता भी है किड़ा जानवर ही रोता है मैं कहा यार गलती होगी बड़े कॉमिक शेर नहीं ईद आई जमाने में क्या शेर क्या शेर थे आजकल ट्रकों के पीछे ले आते हैं बस के लिए बड़े अच्छे लगते थे और फिर रात में मेहंदी लगवाने के लिए कहीं जाना वैसे मेरी बहनों ने तो मुझे घेरा हुआ था
मम्मा जो थी, अब मम्मा की तरफ आते हैं कि आपके घर पे जब आप छोटी थी तो आपके घर पे ईद का अहतमाम किस तरह से, नानो मतलब क्या करती थी? मम्मा भी माशाल्लाह 5 भाई हैं और 3 ये लोग बहनें थी, तो ये भी अच्छा, ये ब्रदरोलॉजी प्लस एस्ट्रोलॉजी रहते थे, तो इनके घर क्या होता था ये हम पूछते हैं अम्मी से। हमारे घर में सिर्फ ईद होती, शॉपिंग की, खाना वगैरह खाया, ईद पढ़ के आए। जब ईद पढ़ने जाते थे ना वहाँ पे बड़ा मजा करते थे कि पैसे जो मिले छुप छुप के चीजें खाई। छुप छुप के क्यों खाते थे ईद में भी? अब्बा ना बहले, क्योंकि भाई खाली होते थे ना, भाई बता देते कि जितने पैसे मिले ना सारे खर्च करके घर जाना है। घर घुस गए ना एक दफा तो फिर वापस नहीं आने देते थे कि भाई जाके फिर दोबारा निकलना है, वहीं पे भाई इंजॉय करके घर घुस जाना, फिर ईद खत्म। ओके, तो ये ईद बेसिकली चिप्स और जूस से ईद होती थी, आलू चने और ये चीजें। अब तो खैर बड़ी चीजें चेंज हो गई हमारे दौर में ये। और नानो क्या बनाती थी घर पे मीठे में? घर में हमारे बनती थी खीर, जो आगे मुझे भी बड़ी अच्छी बनानी आती। बहुत अच्छी, स्पेशली बहुत। और मैं ईद पे एक खुसा सलवाता था, पंजा हाँ मोची से खुसा सिलवाते थे बचपन। अच्छा। में वो खुसा सिलवाया मैंने फर्स्ट टाइम, मेरे एक दोस्त ने कहा यार खुसा पहन तो बड़ा ज़बरदस्त लगेगा। मैं कहा चलो, मैंने कहाँ सिलवाना, कहता वो एक मोची बैठा वहाँ सिलवाना, मैंने वो खुसा सिलवा लिया। अब ईद कोई जूती जूती नहीं ली, खुसा ईद दुकानें तो बंद होती ईद वाले दिन, मैंने खुसा पहना, खुसा पहन के भाई नमाज पढ़ के वापस आया तो पैरा सारा छिलया गया। चुके पैर फिरदा मैं ना सारा दिन घर ही प्यारे। खुसा बिना जाब ही होता है, जिसको रास आ जाए ना आए तो वो, लेकिन वो जो खुशा होता ना इसलिए अच्छा भी लगता था कि वो उसकी शक्ल बड़ी प्यारी थी। लेकिन बचपन में जब छोटे होते थे तो वो अपना ना जो खुशा था ना वो वाला साहब ही पहन देते थे, तो बाद दफा वो गलती हुई थी, वाला साहब कहते जरा कान पकड़ पत्थर, तो वो जो खुशा होता था ना वो वही जरा पीछे पड़ता था हमारे, तब की बात आती थी खुसे पड़े लुतर पड़े खुसे बाद में पड़ते हैं। ओह माय गॉड, पड़ते बड़े जोर से लदर लुदर गए। खुसे सिलवाने का दौर था। सही हाँ, खुसे सिलवाते थे मोची से, सिलवाते थे माप दे के आते थे मोची के ना, साई दे के जाएं दी। अच्छा। वो खुसा उस वक्त मुझे आई थिंक याद था कि जब मैं सिलवाता था तो वो उस खुसे की टोटल कीमत होती थी वो 400-450 होती थी, 450 रुपया, 200 रुपया सिलाई के दे आते थे साई। तो एक खुसा था कि सोने का खुसा था, सुख खुसा उसका लेदर का, प्योर लेदर। तो प्योर लेदर का भी आज के दौर में मिलेगा 400 का था, अभी 4000 का मिल रहा है। हाँ। 15000 का हाँ, तो उस वक्त 400 रुपए का था। हम सिलवाते प्योर लेदर सिलवाते थे, मोची सिलवा अपना माप दे के। वो अभी की बात और, वो मैं जिस दौर की बात करूँ उसमें डॉलर भी 2 रुपए का होता था उसका। एक मुझे पता है क्या खरीदे हुए, खरीदे हुए लेने तो अभी कर देता हूँ, कोई मसला नहीं, अपना अकाउंट नंबर भेजो, मैं डॉलर सेंड कर देता हूँ। नो ऐसे सेंड नहीं होते, हो जाते हैं। आप सीरियस हो गए? मैं सीरियस हो गया, मैं नहीं रहा को कंफ्यूज कर दिए। ईद से ज्यादा ना सबसे ज्यादा खुशी भला मुझे और किस चीज की होती थी? किस चीज की? जब हमारे स्कूल में मीना बाजार होता याद आ गया मुझे भी, मीना बाजार। इतनी खुशी होती थी, इतनी खुशी होती थी कि सारी रात नींद नहीं आती थी कि सुबह मीना बाजार है, कौन से कपड़े पहने, कितने घर से पैसे मिलने हैं। उस उन पैसों की फिर हमने स्कूल में जो तो लड़कों को भी सारी रात नींद नहीं आती, सुबह मीना ने आना मीना को मिलने जाना, वो स्कूल के बाहर खड़े को देखने के लिए बैठे होते थे। वाकई में बहुत रश होता था, याद अगर स्टॉल्स लगते थे फूड स्टॉल्स, और यहाँ तक कि हम लेट जाते थे समोसे ही खत्म हो गए होते थे। अच्छा समोसे, मैं और मुझे याद है मैंने और हिरा ने ना, हमारा एक स्कूल होता था बड़े वाला स्कूल था, वहाँ मीना बाजार एक दफा हुआ, हम घर से 50-50 रुपए, माय टीचर कहती है 50-50 रुपए ना मुझे जमा करा दो। उस टीचर ने जमा कर लिया और हमें 10-10 की चीज दे के 40-40 रुपए खुद ही रख लिए। हम लोग घर आके कोई इतना रोए, हम लोग अक्सर ट्रिप पे जाते थे। नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस सम टाइम किसी की हेल्प जब आप नहीं करोगे तो फिर ऐसा तो आपके साथ होगा। नहीं टीचर थी वो हमारे, धोखा किया था। नहीं नहीं टीचर को फिर टीचर तो टीचर ही होते हैं ना, वो धोखा नहीं तो वो आपको ट्रेन कर रहे होते हैं बच के रहना। और एक बच्चे को खुशी होती है जब उनका ट्रिप जाना। अच्छा बात हमारी ईद की हो रही है तो ये इधर तो ना जाए, किधर गए, किधर गए, ठीक है। तो बाकी असल में बात करने का मैं जो मेरा मकसद था ना, जो इन्होंने मुझे ईद में के वो उसमें उलझा दिया, इसमें सिर्फ एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि वो ये है कि सेलिब्रेशन जो है ना वो घर में ईद के जो त्यौहार ना इसमें अपने अपनों के साथ करें वो बहुत बेस्ट रहेगा, अपनों को बुलवाएं या अपनों की तरफ जाएं। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं कहता हूँ दीन का बेहतरीन जो है ना वो सिस्टम है कि आप अपने गेट टुगेदर करें, बड़ा गेट टुगेदर करें। अकेले ईद नहीं होती, अकेले घर में रह के तो बस कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। हाँ इंजॉय करें लाइफ को और जिए, और बस दीन की दीन कहता है कि जियो, बस मस्त जियो, जिंदगी गुजारो नहीं जियो, दीन पे चलें,
एक और सिस्टम है उस पर चलेंगे तो घर में अकेले ही रहेंगे, बुझे रहेंगे, बल्कि बुझा के रखेंगे सबको। तो जिए, क्षमा जलाएं, क्षमा को रोशन करें, और क्षमा से क्षमा चलती है, और फिर अपने आप को जिंदगी की बताएं कि मैं जिंदा हूँ, जिंदगी है चलते फिरते का, जलने का मतलब जलाने का, जलाने का मकसद वो नहीं कि आग से, कि एक दूसरे के साथ मिलकर खुशियाँ बांटने को, वो लफ्ज़ बोला जाता है ना कि आप खुश रहें, सेलिब्रेशन, खुश रखें। और इसके इसलिए अब आगे कोई और बात तो नहीं करनी मुझे? नहीं नहीं भाई, हम लोगों को काफी कुछ बचपन से भी मिल गया और बड़े नई चीजें जानने को मिली कि अभी कैसे ईद सेलिब्रेट होती, तब किस तरह हुआ करती। तो उम्मीद कर दूंगा आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर से हाजिर हूँगी नए टॉपिक के साथ, नई चीजों के साथ। तो मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक गुजर। बाय 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 बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, और मुझे डॉक्टर फैसल को जाल दीजिए। बाय बाय, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।